अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो और आज की वीडियो स्पेशल होने जा रही है। आज मैं बात करूंगा आपके साथ कि मैंने क्रिकेट कैसे देखना शुरू की और आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक मिलेगा। आज आपको ईद वाले दिन बताएंगे कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं यार आपने क्रिकेट कैसे देखना शुरू की या आपको क्रिकेट कब से अच्छी लगती है, वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको अपनी फेवरेट टीम्स बताऊंगा, कुछ हॉबीज़ बताऊंगा कि मैं क्रिकेट के अलावा क्या करता हूँ, तो वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आए थे काफ़ी आप लोगों के, वो आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। तो वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा। नाउ स्टार्टिंग ऑफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैं एक क्रिकेट नहीं वैसे एक ब्लॉग बनाऊँ आज की ईद के सारे दिन में, क्योंकि अब नमाज का टाइम तो हो गया। तो बाकी अगर आपको ब्लॉग चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली कहीं जाना तो कम ही होगा, तो घर के सारा ब्लॉग होगा, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद, मैंने कैसे क्रिकेट देखना शुरू किया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। तो जी सीन्स कुछ ऐसा थे यार, एक्चुअली जब मैं था अराउंड 4 ईयर्स का, जब 2011-2012 था, तो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इन इंडिया, हुआ था प्रॉबली आई थिंक T20 वर्ल्ड कप 2012 का जो हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था। हाँ, वो वर्ल्ड कप हुआ था, तब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो पाकिस्तान में मैच हार गया था। तो तब से मैंने एक्चुअली क्रिकेट देखना शुरू की थी। पहले मैं घर में अकेले क्रिकेट खेलता था, प्लास्टिक बैट और एक छोटी सी वो बॉल होती है ना, वो जो टॉयज से यूजली मिलती है, फिर उससे मैंने खेलना शुरू कर दिया। अकेले खेलता था, मतलब यू नो भी ज़्यादातर साथ होता नहीं था, तो मैं अकेले चौके मार रहा हूँ, अकेले मतलब बॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये सारा 10 सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सो या उसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि क्रिकेट आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो। तो लॉकडाउन से पहले आई वॉज प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट एज वेल इन द क्लब, बट उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया वो। अब आई थिंक आई एम गोना स्टार्टेड अगेन, बट राइट नाउ अभी नहीं हो रहा है। उसके अलावा हाँ, वैसे मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ, घर में खेल लिया, कोई आया उसके साथ खेल लिया, कहीं गए किसी बाहर उनके साथ भी खेलिए, तो ऐसे में अभी भी खेलता रहता हूँ। उसके बाद बात आती है, वो आती है आप लोगों के सामने, इट्स अबाउट द यू नो द हॉबीज एंड व्हाट एल्स आई लाइक डू। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप पबजी खेलते हो, आप पबजी नहीं खेलते। तो पबजी मैंने बीच में खेली तो थोड़ी सी, बट 30 डेज आई एम नॉट प्लेइंग पबजी दैट मच। और कभी खेली थी रोज़ों में 1-2-4 दिन भी, और रात को खेल लेता था मैं, लेकिन आजकल नहीं खेल रहा हूँ मैं। आजकल खेल लो तो मतलब जब मूड हो, अगर थोड़ा सा हो रहा हो, अगर फ्री हो तो खेल लेते हैं। उसके अलावा आजकल हम थोड़े से सीरियल्स देख रहे हैं, एक काफ़ी अच्छा जो रमज़ान में लगे, वो ऑलमोस्ट सारे लोग देख रहे हैं, तो वो भी मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा आई लाइक टू प्ले यू नो बैडमिंटन खेलने का मुझे शौक था शुरू से, और कज़न आते थे तो मैं बैडमिंटन भी खेलता था, क्योंकि यू नो बैडमिंटन इज़ ईजी टू प्ले, आप किसी के साथ भी खेल सकते हो, और ऑलमोस्ट मतलब के आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन आज भी। उसके अलावा स्कूल में अगर आप बात करें, अगर मुझे सब्जेक्ट्स की बात करें, तो आई लाइक हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स द मोस्ट, ये दोनों मुझे काफ़ी पसंद है इफ यू टॉक अबाउट स्टडीज। उसके अलावा दैट्स ऑल आई थिंक, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ईद मुबारक आप सबको, और आप सब लोग बताएं कि आपको चाहिए क्या ईद ब्लॉग, तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगा।